ज़्यादा टफ नहीं, अगर आपको चाहिए तो विदाउट क्लीन किया हुआ भी ले सकते हैं। वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा हम लोग थे कलंगूट बीच पे, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बागा बीच पे। बागा बीच पे पहुंच गए हैं, बस हम लोग को गाड़ी पार करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। देखो जहाँ देखो आपको चारों तरफ खाने के लिए काजू मिलेगा, काजू ही काजू है चारों तरफ। और ये बागा बीच जो है इसको शायद फॉरेनर बीच भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चारों तरफ आपको रशियन ही रशियन दिखाई देंगे। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं बागा बीच पे। कलंगूट बीच और बागा बीच दोनों एक बीच से खड़े रहकर दूसरे बीच को देख सकते हो, इतना ही इतना कनेक्टेड है। अगर आपके पास ऐसा ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी नहीं है तो आप पैदल ही ट्रैवल करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। रोड साइड से नहीं, बीच पे से ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, आपको घूमने का टाइम भी मिल जाएगा, पूरी बीच देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया और बड़ा बीच है, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन। तो अभी हम लोग जो राइड करेंगे वो राइड का मैं सीन दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो सीन आपको मैं दिखाने आया था वो सीन यहाँ पे ख़त्म हो गया। मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही लेट पहुँचा मैं, लेकिन अभी नो ब्रो, ये भाई साहब फ़ोटो के लिए आप लोग को पूछते रहते हैं 30-40 रुपये में आप लोगों को फ़ोटो निकाल निकाल के देते हैं। फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह कुछ भी शूट करते हैं, पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी फॉरनर के साथ बैठोगे ऐसा कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करने है किसी के साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि उनको भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि तुम उनके साथ में मतलब उनके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो गाइस पता नहीं अभी क्या पनौती लग गया, इतना जल्दी ये लोग ने पैरा सीलिंग को बंद कर दिया। शाम के टाइम पे सारे लोग नहीं करने देते, तो अभी हम लोग को किसी ने बताया कि वहाँ पे एक पैरा सीलिंग के लिए चालू है, बाकी सब लोग ने बंद कर दिया। ट्राई करते हम लोग उधर अभी कैसा भी जाते हैं। थोड़ा सा और जल्दी हम लोग को घर से निकलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, नसीब में होगा तो कर लेंगे, वरना क्या कर सकते हैं। ये देखो ये लोग भी यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं वीडियो, मस्त फॉरेनर्स लोग आए हैं। आप लोग बाहर के लोगों का वीडियो देख लेते हैं यार, आपको नहीं दिया इधर इंडिया का लोकल अपना वीडियो देखो, सपोर्ट करो, हम लोग भी आपको फॉरेन घुमाएंगे लेके जाएंगे, ऐसा कुछ चांस मिला तो तोड़ दे। अबे झंडा उखाड़ रहे वो लोग, शायद अपने नसीब में आज नहीं था कुछ करने का। तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में बसा के रखूं। सूरज डूब गया और सारे राइड्स बंद हो गए। 6 बजे के बाद कोई भी राइड्स नहीं होते हैं। आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, कभी आप लोग आओ तो आप लोग भी ये बात ध्यान रखना, जो भी राइड वगैरह करना है तो आप लोग दोपहर में ही आ जाने का और उधर राइड कर लेने का। अगर आप सोचोगे कि धूप है, धूप में राइड मज़ा नहीं आएगा, तो शाम को राइड नहीं मिलता है यहाँ पे, शाम को बंद कर देते हैं, क्योंकि समुंदर का पानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से तो यहाँ पे चारों तरफ आपको शाम के टाइम पे वाइब बहुत ही क्या बोलो यार गाइस,
नाचने का ही मन कर रहा है। ये मेरा भाई है, भाई मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, मेरे को राइड्स खिलाने के लिए यहाँ पे खेलने कूदने के जो सस्ते में बात हो सके। मेरा भाई मेरा टूरिस्ट गाइड बना हुआ है, क्योंकि लोकल लोगों को यहाँ पे है ना सब कुछ सस्ते में सिमटा देते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं बाहर से आते उनको ये लोग थोड़ा सा हैवी प्राइस बताते हैं। तो मेरा भाई क्या यहाँ का लोकल है तो ये अपने को थोड़ा सा कम प्राइस में करवा देता है। विशाल भाई से अपने यहाँ का टूरिस्ट गाइड बनने वाला है, तो इसके जो भी नहीं नहीं गाइस ये नहीं तो इसके भाई लोग हैं सब घुमा देंगे आप लोगों को गोवा चारों तरफ। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है ब्रो, लेकिन क्या कर सकते नहीं रे, मैं इस सब पे थोड़ा सा कम कंसंट्रेट करता हूँ।
जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी बागा बीच पे हूँ और हम लोग यहाँ पे आए थे राइड्स करने के लिए, बट हम लोग को आने में थोड़ा देर हो गया तो हम लोग यहाँ पे राइड्स तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे नाइट आउट पार्टी बहुत इंजॉय किया। हम लोग ने काजू लेने का थोड़ा सा किया था कि काजू लेंगे जाने के टाइम पे, देखते हैं अभी काजू का क्या रेट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे होलसेल है। भाई काजू कितने रुपए किलो है? ज्यादा नहीं भैया, 500 रुपए से स्टार्ट है। 500 रुपए से स्टार्ट है। और मैक्सिमम क्या प्राइस है? मिनिमम बोले तो 850 रुपए तक। 850 रुपए। बादाम रहेगा 650। दुकान बंद है पहले। ऐसे करेंगे निकालते हैं। बहुत इजी है तो। हाँ बहुत इजी है। इजी बहुत है। खाके टेस्ट करो मुझे को। देखिए देखिए सर। अरे बहुत असम रन दिख रहा है, अच्छे से निकल जा रहा है। ज़्यादा टफ नहीं, अगर आपको चाहिए तो विदाउट क्लीन किया हुआ भी ले सकते हैं, बाद में उसको आप घर पे आराम से जब खाना होगा 10 लेने का, बाद में क्लीन करके खा लेने का है ना। कल हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, मेरे पास अभी 2 दिन और है गोवा के अंदर, तो मैं वो 2 दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज करने का ट्राई करूँगा। हम लोग ने 2 किलो उधर से काजू ले लिया है, यहाँ से बादाम लेने का ट्राई करते हैं, अगर ठीक ठाक रेट पर मिल गया तो। आपको पूरी गोवा में सबसे अच्छा सस्ता काजू मिल जाएगा, लेकिन आपको बादाम थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, लेकिन आप जो अपने लोकल प्लेस पे लेते हो उससे थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा, आप थोड़ा सा मोल भाव करोगे तो। बाकी कुछ नहीं दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अब तक मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।